गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज 27 तारीख और आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी सो के उठे थे और तो देखते हैं आज हम कल के ब्लॉग से आज नया क्या करते हैं, आज क्या न्यू क्रिएटिविटी होती है। तो गाइस ब्लॉग को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ब्लॉग में आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक दीजिए। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले सीन पे, तो देखते हैं आज हम नया क्या करते हैं। तो गाइस अभी मॉर्निंग की पूजा होने वाली है, आज है थर्सडे। तो थर्सडे के दिन ना हलवा पूरी का भोग लगाते हैं, तो अभी मम्मी बना रही है हलवा पूरी और फिर करने वाली है मॉर्निंग की पूजा। उसके बाद देखते हैं कि आज का अगला सीन हमारा क्या होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखे, व्लॉग को पूरा देखे और अपना फीडबैक जरूर देते रहे। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो गाइस अभी मॉर्निंग की पूजा कंप्लीट हो गई है, तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही है मम्मी, चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे बासी खाना खिलाने की तैयारी पूरी तरीके से कर रही है मम्मी, ये देखिए बासी नहीं है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। देखिए रात की कचौड़ी खिला रही है अभी गर्म करके। मैंने बोला कि मैंने मिर्ची के अचार के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, देख रहे हो। मतलब मैंने बोला कुछ नया बना लो, कह रही रात की इतनी सारी कचौड़ी रखी है उसे कौन खाएगा, ये गर्म करके फेंकना ही तो होगा। अब गर्म करके और टेस्टी खाना बन जाएंगे। बताओ मतलब चाय गरम कर रही, मतलब चाय बना रही है और कल और की रात की बची हुई कचौरी यही खाने को मिलेगा। देखते हैं अभी ये खा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है दोपहर को। अभी खा के देखना कभी कचौरी गरम करके, बहुत अगले दिन बहुत टेस्टी लगते हैं ये। प्रियेश खा के देख और बता कितना टेस्टी है ये। इनके पूरा तैयार हो गया, देखिए जो भोग में हलवा लगाया बनाया था एक तो वो है और कल की बासी पूरिया ये कचौरिया बासी खाना खा, अब तो गर्म हो चुके ताजी बन गए हैं ना, अब खा के बताना कितना टेस्टी है ये। देखिए ठीक है ना, तो यही खाना पड़ेगा। तो कोई नहीं गाइस खाते हैं और इसके बाद लंच का टाइम होगा, 2 बजे के बाद ही खाना मिलेगा। तो देखते हैं अपना अगला सीन क्या होता है, अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गाइस अभी दोपहर का 1 बजा है और यहाँ पे धूप निकल गई है, बहुत दिन बाद धूप निकली है। और ये हम खेत से गन्ना लेके आए थे पिछली वीडियो में आपने देखा था, तो हम गेट में बैठ के गन्ना खा रहे थे। तो अभी लंच की तैयारी कर रहे हैं, तो सलगम बना रही है मामी, बना रही है खाना आज, मामी खाना बना रही है। तो गाइस अभी गन्ना खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के, तो गन्ना खाने के बाद लंच होगा, लंच के बाद अगला सीन देखते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या होता है। और गाइस आज ना पापा और मामा जी सुबह 6 बजे हमारे गाँव से एक बस जाती है हरिद्वार के लिए, तो वहाँ से मुजफ्फरनगर गए थे। आपने एक वीडियो देखी होगी मैंने डाली थी कि अपने मामा जी को एपिलेप्सी के सीजर्स पड़ते, तो वो झड़ाने गए थे ना वहाँ पे मुजफ्फरनगर छपरा ग्राम में, एक लेडीज है तो वो जिंद वगैरह झाड़ती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उनको जिंद आता है उनके सर पे, ऐसा मानते हैं लोग, और वो इंसान को झाड़ देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा मान्यता है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, अगर वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो वहाँ से अभी तक नहीं आए, 1 बज गया है, तो वो हमने फ़ोन करके देखा था तो वो बोल रहे थे कि हम बस में हैं, आने लग रहे हैं। तो ठीक है, उनसे आने के बाद डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे आज क्या हुआ। मैं नहीं गया तो जा, वरना वीडियो बना के लेके आता, ब्लॉग करके आता वहाँ पे भी, लेकिन आज मैं नहीं जा पाया। कोई नहीं, उनसे मामा जी आएंगे, उनसे पूछ लेंगे कि क्या हुआ आज, कैसा एक्सपीरियंस था आज, क्या बोला उन्होंने, वो दिखाएंगे आपको। चलो इंतजार करते हैं कब आते हैं वो लोग और अगला सीन देखते हैं कि आज क्या होता है। तो गाइस सुबह 6 बजे वाली बस में वो लोग गए थे मुजफ्फरनगर वहाँ पे, तो अभी लोग तक नहीं आए, अभी बज गया 1 बज गया है। तो देखते हैं कॉल करके कि अभी कहाँ है और फिर इंतजार करते हैं। अभी कितना टाइम लगेगा और दोराला से आने में? एक घंटा तो लग जाएगा। ठीक है तो जल्दी आ जाओ, कहते सरदर ने रहन दो, घर ही आ जाओ सीधे, सरदर ने रहन दो, घर पे आ जाओ बाजार में। ठीक, तो गाइस बात हो गई है, बोल रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा दोराला से यहाँ से, मतलब कि 30 किलोमीटर दूर है अपने यहाँ से।
तो गाइस अभी बजे है दोपहर के 3 और हमने लंच वगैरह कर लिया है, तो अभी मामा जी आए हैं, तो चलिए मामा जी से बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। वो मुजफ्फरनगर गए थे ना, तो उनसे पूछते हैं। चलिए गाइस, सुबह 6 बजे मामा और पापा जी मुजफ्फरनगर छपरा गिराव के दुडवा गांव में गए थे वहाँ पे झाड़ फूक कराने। तो अभी मामा जी आ गए हैं, अभी बजे है दोपहर के 3, तो हम लोग पूछ लेते हैं कि वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था और वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो मामा जी वहाँ पे क्या क्या हुआ था जैसे तुम गए थे वहाँ पे? मुझे एक स्टूल पे बैठाया और वो बैद जी वो आके बैठा, मन मन में कुछ बोला। लेडीज थी ना? हाँ लेडीज था। तो एक जिन बुलाया, जिन बुला के वो दिखाई नहीं देता जिन को। अच्छा। वो अपना आप झाड़ देते हैं, एक बार कहा जाए एक सीने में झाड़ दो, एक बार कहते पीठ में झाड़ दो। अच्छा, मतलब कि गोल एक लेडीज होती है तो वो मन मन में जिंद को बुलाती है। हाँ। तो बुलाने के बाद वो उनसे बात करती है। हाँ, ठीक है, अपना अकेले बात करती है। और वो बात करते करते ये कहती है कि इस पेशेंट के छाती को झाड़ दीजिए, मतलब इसकी छाती में प्रॉब्लम है, इस टाइप से उन्हें बताती है। हाँ। और इस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से झाड़ फूक करते हैं। तो उन्होंने कुछ दिया आपको दवाई वगैरह रूप में? हाँ, दवाई दिया, ये खाने के लिए दवाई दिया। हाँ, और पीटने के लिए दवाई दिया। अच्छा, तो गाइस ये दवाई नहीं है, इसके अंदर कुछ माटी टाइप की है। ठीक है, माटी है, ये नहीं पता कहाँ की माटी है। धूली बोलते हैं, धूली बोल देते हैं ऐसे, वैसे माटी है इसके अंदर, इसको धूली बोलते हैं। तो ये जो ज्यादा माटी है ना, इसको शरीर पे लगाना है। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे ही तुम सो के उठोगे, माथे पे, सीने पे, पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ लगा सकते हो वैसे लगाना है। और जो थोड़ी सी माटी है, इसको 2.5 लीटर पानी के अंदर मिलाना है और उसी को ही जब भी पानी पियो, इससे दवाई लेनी है। दवाई मतलब कि उस पानी को पीना है। तो इस टाइप से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था मामा का, जो अभी आपको बताया और फिर अभी आए। तो ठीक है गाइस, कैसी लगी आपको ये बात सुनकर आप कमेंट में जरूर बताएं। और अब मिलते हैं हम अपने अगले सीन पे कि अब ये। तो गाइस अभी शाम के 5 बजे हैं और ये जो रोड देख रहे हो ये है मतलब कि अपने करनावल से 3 किलोमीटर दूर है सरूरपुर। तो यहाँ से सरूरपुर जाने के लिए एक रोड है और यहीं पे नहर भी होती है, इसे गांव वाले ज़्यादातर झाल वाला रास्ता बोलते हैं। और अभी इवनिंग वॉक के लिए इधर लोग काफ़ी आते रहते हैं, इवनिंग वॉक, रनिंग करने भी इस रोड पे बहुत बच्चे आते हैं। तो हम लोग यहाँ घूमने आए थे और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ रोड पे। अभी फ़िलहाल इसी 2021 में ही यहाँ पे एक नई गौशाला बनी है, उसमें गाय वगैरह नहीं है लेकिन गौशाला बनकर तैयार हो गई है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। ये जो झाल है ना, इसी की वजह से इस रोड का नाम झाल वाला रास्ता पड़ गया। ठीक है, तो गाइस मैंने ना ये वाला इलाका आपको दिखा दिया है, फर्स्ट टाइम अपने व्लॉग्स में ये लोकेशन लेके आया हूँ। आज अभी तक मैंने अपने व्लॉग्स में ये लोकेशन नहीं दिखाई थी आपको अपने गांव की। तो आज देखकर कैसी लगी आपको बताना कमेंट में। गौशाला दिखाई मैंने यहाँ पे, अपनी झाल दिखाई अपने करनावल की, और ये जो रोड है ना ये देखिए, अभी तो हम सरूपुर की तरफ चल रहे हैं। अगर इधर को जाओगे तो मतलब कि सीधा वहाँ आगे जाके ना बड़ौत वाला एक हाईवे निकलता है, बड़ौत जाता है वो, वहाँ पे चले जाएंगे। तो अभी हम इधर को क्यों जा रहे हैं पता है? ये देखिए मेरे पीछे वो टावर देखो, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो टावर है ना वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं मामा जी के जो फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं, तो उनसे मिलने जाना है। तो कितनी दूर हमें चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे चलने के लिए ना देखिए ये साइड से नहर गई है, ये नहर वाला रोड हम पकड़ेंगे, सीधा वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आ गए डबल रोड, तो हो गए कंफ्यूज, इधर जाए या उधर जाए। मामा कर रहे हैं अभी कॉल जिनके पास हमें जाना है। तो झमेला भाई हो गया हमारा। तो आपने जो रोड देखी ना इधर से उधर गए, मुझे भी जाना है इधर से उधर, तो मैं जा पाऊंगा? कोशिश करते हैं, देखते हैं, और क्या, क्यों नहीं जा पाएंगे यार।
करेगा आपका भाई आपके लिए ये सब। ये देखिए इस टाइम आ गए हम नहर पे अंदर, वो पार तो पार कर ले भी चढ़ जाते इधर। ओके 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 हो गया पार। वो देखिए उधर से इधर आ गए हम। ठीक है चलते हैं अंदर देखते हैं खेत वगैरह। यहाँ पे ना केले के पेड़ है बहुत सारे देखिए। तो गाइस देखे किधर किधर से हमें रिटर्न जाना पड़ रहा है। आए थे रोड से जा रहे हैं जंगल से। ये देखे एकदम हम बिल्कुल मिडिल में खड़े हैं अपने खेत के गन्ना के खेत के, उधर से मिडिल से निकल के जाना पड़ रहा है। देख लो फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाइस मेरा लाइफ का कि मैं खेत में आया और इस टाइप से बीच से निकल के रोड पे जा रहा हूँ। पूरी किसानों वाली फीलिंग आ गई मुझे। तो गाइस रोड मिला है देखिए। तो गाइस खेत से आ गए थे हम लोग 7 बजे घूम के घर पे। तो घर पर आने के बाद अभी डिनर करेंगे, डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर करने के बाद तो देखते हैं अपना अगला सीन क्या होता है। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 9:30 और डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया है। तो आज का ब्लॉग करते हैं एंड और मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में।